अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सगीद और आप देख रहे हैं सबकाइल यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सबकाइल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लो, ताकि फ्यूचर में जो भी कोई नई वीडियोस हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप हमारी हर नई वीडियो से अपडेट रह पाओ, सीख पाओ कुछ नया। तो फाइनली दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो किस तरीके से आप जो है किसान क्रेडिट कार्ड का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपने किसान को जो है क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करा सकते हैं, उसको लोन सुविधा दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ पूरा बने रहिएगा, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना क्या करना है, जिनसे अपना जो है सीएससी पोर्टल लॉग इन कर लेना है। जैसे ही आप सीएससी पोर्टल लॉग इन करते हो, आईडी पासवर्ड डाल के लॉग इन हो जाते हो, तो फिर आपके सामने न्यू सर्विसों में आपको एक सर्विस मिल जाती है किसान क्रेडिट कार्ड की, किसान क्रेडिट कार्ड रजिस्ट्रेशन। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप जो है इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा व्यू प्रोडक्ट का, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने दूसरा पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है जब तक कि दूसरा पेज रिडायरेक्ट होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमारे सामने जो है पीएम किसान का जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से किसान क्रेडिट कार्ड अप्लाई होता है, वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर एक किसान क्रेडिट कार्ड का लोगो भी बना हुआ है और साथ ही यहाँ पर जो है कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको बताई गई है। तो इन इन्फॉर्मेशन के बारे में हमने पहले वीडियोस दे दी है, आप वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों, क्या करना है, यहां से अपना डिजिटल सेवा कनेक्ट कर लेना है, यानी इस वेबसाइट को अपने डिजिटल सेवा से कनेक्ट कर लेना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपका जो है आईडी पासवर्ड मांगेगा और कनेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हमारा सीएससी आईडी शो कर रहा है और यहाँ पर ये पोर्टल हमारा जो है सीएससी से कनेक्ट हो चुका है। तो फाइनली दोस्तों, अब क्या करना है, हमें अप्लाई करना है किसान क्रेडिट कार्ड का। तो अप्लाई न्यू केसीसी पर आना है और जैसे इस पर आओगे तो आपके सामने एक अगला पेज आएगा जहाँ से आपको आधार नंबर डालना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम एक आधार नंबर डाल लेते हैं और करके देख लेते हैं क्या है। यहाँ एक आधार नंबर हम डाल रहे हैं दोस्तों। जैसे ही आप आधार नंबर डाल दोगे, सबमिट करोगे, तो अब यहाँ पर आपका जो है एक मैसेज, एक नया पेज ओपन होके आएगा। आप देख पाओगे कि कुछ इस तरीके का ये पेज ओपन होके आया है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो कि जो है इसमें कौन से किसान एलिजिबल होंगे, कौन इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको क्या करना है, पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है जहाँ से आप जो है किसान का स्टेटस चेक करते हैं, उस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको आ जाना है फार्मर पर और यहाँ पर आ जाना है बेनिफिशरी स्टेटस पर। स्टेटस पर आने के बाद दोस्तों, आपको सबसे पहले चेक कर लेना है किसान के आधार नंबर को डाल के यहाँ पर, कि किसान को इसका पेमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ पर हम डाल के इसका चेक कर लेते हैं। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो है इनकी दो किस्तें आ चुकी हैं और जो है तीसरी किस्त इनकी जो है पेंडिंग में लगी हुई है। तो फाइनली दोस्तों, इस तरीके से आपको चेक कर लेना। और भी अगर आपको चेक करना चाहते हैं लिस्ट बेनिफिशियरी लिस्ट, तो आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। इसके रिलेटेड हम एक वीडियो अलग से आपको बना के दे देंगे। तो यहाँ पर उन्हीं किसान का आप जो है रजिस्ट्रेशन कर पाओगे जो इस जो है योजना का, जो पीएम किसान की योजना का लाभ ले रहे हैं। तो वाले दोस्तों, जैसे ही आप आधार नंबर डालोगे तो यहाँ पर किसान पीएम आईडी जो होगी इनकी शो करेगी, यहाँ पर जो है नाम उनका शो करेगा, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, अकाउंट नंबर, सारा कुछ यहाँ पर शो करेगा। तो आपको करना कुछ नहीं, अब आपको सिंपली नीचे आ जाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप ऑफ केसीसी अमाउंट ऑफ लोन रिक्वायर्ड, यानी जो है आप जो है किस तरीके का लोन लेना चाहते हो, जो है कितना, और आपको लोन कितना लेना है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है टाइप ऑफ लोन, यानी आप इशू ऑफ फ्रेश केसीसी, यानी आप नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो केसीसी का, या फिर आपका लोन पहले से था उसमें आप लिमिट बढ़वाना चाहते हो, या फिर जो है आपका जो था बंद हो गया, दोबारा से आप जो है उसको एक्टिवेट कराना चाहते हो। तो आप जो भी करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो फाइनली दोस्तों, हम न्यू अप्लाई करेंगे और यहाँ पर फिर हमें क्या करना है, लोन अमाउंट डालना है, कितना लोन हमें लेना है। तो चलिए यहाँ पर आप 1,60,000 तक ले सकते हैं लोन। तो यहाँ पर हमें इतना तो भी लेना नहीं, हम आपको डेमो बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम ओनली 1,00,000 रुपये कर देते हैं। और यहाँ पर 1,00,000 करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है, मोबाइल नंबर डाल देना है किसान का जो भी हो। चलिए यहाँ पर हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं। पहले दोस्तों, यहाँ पर मोबाइल नंबर देख लेते हैं किसान का क्या है, उसके बाद में डाल देते हैं।
यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर डाल दिया है दोस्तों। अब यहाँ पर नीचे को स्क्रॉल करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है पार्टिकुलर्स ऑफ द एप्लीकेंट, तो यहाँ पर जिनके नाम लोन है, जिनको लोन लेना है, वो यहाँ पर नाम ऑटोमेटिक शो होगा, यहाँ पर अकाउंट नंबर शो होगा। अगर आपको लगता है कि नाम और अकाउंट नंबर गलत है तो आपको फिर से सही कर देना है, उसको जो भी है सही कर देना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ नेम ऑफ स्कीम जो है, यहाँ पर प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपको अगर इनमें से कोई भी जो है बीमा करवाना है, जनरल इंश्योरेंस करवाना है अपना, तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक महीने में आपका 12 रुपये कटेगा, तो यहाँ पर जो है अगर आप इस योजना को जो है इस स्कीम को सेलेक्ट करते हैं तो आपके अकाउंट से प्रति मंथ जो है 12 रुपये यहाँ से डिडक्ट कर लिया जाएगा। अगर आप जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो है रजिस्ट्रेशन लेते हैं, यहाँ पर इसका जो है स्कीम चूज करते हैं, तो आपके अकाउंट से पर मंथ यहाँ पर 330 रुपये काट लिया जाएगा इसी अकाउंट पर से। तो यहाँ पर हमें इन योजना को किसी को भी नहीं लेना है। अगर आपको लेना है तो आप यस कर दीजिए, अगर नहीं लेना तो नो कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेटस ऑफ एक्सिस्टिंग लोन, यानी आपका पहले से कहीं पर लोन था। अगर आपका कहीं पर पहले से लोन था तो वहाँ पर इसका जो है विवरण देना होगा कि कौन से बैंक से लिया था, बैंक ब्रांच कहाँ का था, कितना लोन लिया था, क्या था, सारा कुछ यहाँ पर देना होगा। तो हमारा कोई लोन नहीं था तो इसलिए हम नो कर देते हैं। उसके बाद में दोस्तों फिर नीचे को स्क्रॉल करना है, फिर यहाँ पर लिखा हुआ पार्टिकुलर्स ऑफ टोटल लैंड होल्डिंग ऑफ द एप्लीकेंट हैंड क्रॉप्स, यानी आपको अब अपना जो है जो भी किसान का अप्लाई कर रहे हैं उसका जो है यहाँ पर गांव का नाम और उसका खेती के बारे में सारा कुछ बताना है कि उसकी खेती क्या है, का जो है खसरा नंबर क्या है, सर्वे नंबर क्या है और ओनेड है क्या है, तो सारा कुछ यहाँ पर बताना है। तो चलिए यहाँ पर हम जो है किसान का जो है खेती नंबर सारा कुछ हम यहाँ पर बता देते हैं। तो यहाँ पर विलेज डाल देना है सबसे पहले, किस विलेज से है, तो चलिए यहाँ पर विलेज डाल देते हैं हम। यहाँ पर विलेज डाल दिया है और यहाँ पर जो है दोस्तों एक यहाँ पर जो है खसरा नंबर डालना है, तो खसरा नंबर और खतौनी कैसे निकलता है इसके बारे में हमने वीडियोस दे रखी है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर हमने खसरा नंबर डाल दिया। यहाँ पर पूछ रहा है क्या हो आप इसके मालिक हो, मतलब जो है खुद की ज़मीन है या आप किसी से लेके बो रहे थे या कोई जो है शेयर कर रहे थे, माल बेच रहे थे, सप्लाई कर रहे थे, क्या है। तो यहाँ पर मोनिट कर देते हैं क्योंकि खुद की है। और यहाँ पर कितना एरिया बन रहा है तो यहाँ पर हम जो है डाल देते हैं कितना बन रहा है। और उसके बाद में जो है दोस्तों यहाँ पर हमने डाल दिया है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ क्रॉप बी ग्राउन, यानी आप क्या करते हो, खरीफ क्रॉप करते हो, रबी यानी गेहूं की फसलें या और कोई भी मतलब धान वान या गेहूं या अदर कोई करते हो, तो यहाँ पर हम अदर कर देते हैं। और नीचे को स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है केसीसी टू फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री फार्मर, यानी यहाँ पर आपको जो है किसान का जो भी नाम है और जो कुछ भी है यहाँ पर आपको फिल करना है। तो चलिए यहाँ पर जो है किसान के गांव का नाम डाल देते हैं। उसके बाद में जो है यहाँ पर जो है एनिमल, यानी अगर कोई पशु पालन करते थे, कुछ भी अगर जो है बछड़ा उछड़ा कुछ आप पालते थे वो अगर आप करते हो तो यहाँ पर आपको डालना है। जैसे कि पता होगी आप बहुत से किसान क्या करते हैं कि जो है गाय बेला खोल देते हैं, गाय भैंस इस तरीके से जो है मतलब बहुत से काम करते रहते हैं, अलग दूध वूध सप्लाई करते रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मांगी जा रही है। तो अगर आपके पास है ये चीज़ें तो आप डालिए, वरना छोड़ भी सकते हैं यहाँ पर। चलिए एक बार हम इसको छोड़ के देख लेते हैं ऐसे। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है पार्टिकुलर ऑफ प्राइम ऑफर, यानी किसान अगर किसी को कुछ ऑफर कर रहा है, किसी को कुछ दे रहा है, तो वो भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। जैसा यहाँ पर किसान अगर 1 लाख लोन लेता है तो इसकी खुशी में अगर कुछ दे रहा है तो वो यहाँ पर डाल सकता है। अगर नहीं है तो यहाँ पर जो है डिस्क्लेयर पर जो है आई एग्री पर क्लिक करना है और सबमिट डिटेल पर क्लिक करना है। सो दोस्तों यहाँ पर अभी आपको डालना होगा, तो चलिए यहाँ पर हम डाल देते हैं यहाँ पर जो है क्या करता है किसान, टोटल एनिमल्स यानी एनिमल्स की क्या है संख्या, तो यहाँ पर सारा कुछ आपको डाल देना है, क्या गौट बकरी क्या है, सारा कुछ यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं GOAT गौट, कुछ भी हम डाल देते हैं इसे। चलिए यहाँ पर मैसेज डाल लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ नहीं कर देना है और एनए कर देना है, या फिर दोस्तों यहाँ पर भी आप अगर नहीं है कुछ तो यहाँ पर आपको एनए कर देना है। चलिए यहाँ पर एनए कर देते हैं, ऐसा है नहीं कुछ, और यहाँ जो है